बहुत ना जबरदस्त तरीके नाल बिजली चमकती पई है। हाँ, बारिश हो गई है बहुत ज्यादा तेज। असं जाने पे हूँ मस्जिद खादिम लैन वास्ते, वो मेरे ख्याल से उत्थे हूँ फस गया वा बारिश। अस्सलाम वालेकुम, की हाल मेरे वीरां दा? उम्मीद करते हैं सारे वधिया हो गए। स्टार्ट करते हैं अज्ज दा नवा व्लाग। ना पता लगता पाया भी सर्दियां आदियां पईआं ते ना पता लगता गर्मियां आदियां पईआं। तीन चार दिन धुप लगती है, थोड़ी गर्मी हुंदी आ ते मुड़ के इक अद्धी बारिश लग जाती है, मुड़ दोबारा फिर ठंड आ जाती है। राती असी ना ठंड की वजह तो डंगर अंदर कितने राती ना ठंड वाहवा सी। तो अज्ज की भी बारिश दसी हुई है, देखो हूँ आँदी या नहीं आँदी। हूँ जो मैं घरों निकलिया ना सूरज के अगे ना बदल आया हुआ सगा, चंगा गहरा बदल सगा, पर फिलहाल हट गया वा सूरज ना हूँ उत्ते निकलिया है बदल तो। सूरज जो बारिश का टाइम दसा हुआ वा वह हैगा शाम का। हूँ आए कब्रस्तान इतने मंगते हैं दुआ, दुआ मंग के जावे अगर फिर नहर तक जावे दुआ करके आवेंगे। साढ़े नाल जुड़े रहो, जी साइड की रूटीन होगी तुहाडे नाल शेयर करा। शायद असं अज जंडा वाले जाइए, साडा सांडू हैगा वाहवा बीमार तो वह पता कर। कब्रस्तान असं आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जहल कबूर। हूँ बारिशा लगनिया वा ना तो बहुत ज़्यादा ना घा उग जाना इतने, जिदा हूँ बूटिया उगिया खड़िया वा। ये तो खैर सर्दियों वाली वा, गर्मियों जड़िया हजे उगड़िया वा। अच्छा, तूड़ी की इन्नी शाटिंग बनी हुई है ना, लोग ना कणक वढ़ वढ़ के पाते पे अपने डंगरों में। आ क्यारा वढ़ना शुरू किया हो, तकरीबन अद्धे नेड़े ला लिया इन्होंने। जे इदा ही बारिशा लगिया रही ना तो कणक वाला जो सीजन ना थोड़ा लेट हो जाएगा, लेट होएगा तो तूड़ी की शाटिंग जी होर वज जानी है, जी किल्लत है वो ज़्यादा हो जाएगी होर, क्योंकि जितको थोड़ी बहुत पई है वो मुक जाएगी तो हर बंदा ने फिर कणक वढ़ वढ़ के पाएगा। जिदा आप भाई हुई वढ़ वढ़ के पाते पे है, ये कहे नहीं बहुत सारे लोग है जेडे ना कणक वढ़ वढ़ के पाते पे डंगर। हालांकि महंगी पीती भी बहुत ज़्यादा, क्यों जो कणक का रेट हैगा तकरीबन 10,000 से, तूड़ी जी वैसे सस्ती पीती है। अज शामी हैगी साड़ी पानी की वारी, पर मैंने लगता लाने ही नहीं पैना है। अब जितों मैं जाना पाया ना मेरे ना दोवे साइडा के खाले आ, पर दोवें खाले बंद पे आ, आवाम जी पानी लाँदी कौन नहीं क्योंकि बारिशा लगिया हुई। तो अज शाम की भी बारिश दसी हुई है, बदल दोबारा जरा जुड़ना शुरू हो गया वा। तुम दिखाना वो बल्कि पिछे तुम नज़र आता पे हूँ वीडियो के उत्ते ना बदल बनना शुरू हो गया दोबारा। नहर भी ना वाहवा डाउन की हुई है, तकरीबन 1.5 फुट तुरी हुई है। ओए है नहीं, दूसरा खोल छोटा दरवाजा, ये खोलता पला तेरे को। हाँ जी, जंडा वाले जाने की साड़ी तैयारी बन गई। मोटरसाइकिल असं कढ़िया इस ना पेट्रोल पवा के लिया, एक तो दूजा इस हवा शवा जी चैक करा के लिया भी हवा ठीक है कि नहीं। साढ़े नाल जाना घर वाले ने भी रात ना कोई टेंशन वगैरह ना बने। किन्नी आ? 45 मैं 55 करी बहुती ना कर। ठीक आइए भाई, मर्दाना वार्ड, मर्दाना वार्ड कड़ी साइड सीधा आ जाओ। शुक्र। सलाम वालेकुम, की हाल है जी? पछाणे को नहीं? शुक्र। सलाम वालेकुम, की हाल है जी? किदा भाई शकुरबीर? अच्छा, अच्छा
हाँ जी झंडा वाले असं वापस आ गए हैं भाई। शुकुर होना तो हैगा मसला पैर का, शुगर हुई हुई शुगर की वजह से पैर तो हुए जख्म, तो जख्म जो ठीक नहीं होते पे है, उन्होंने तो पता अं करके आए हैं। साढ़े पिंड एक दो मरीज है जिन्हें ना इतना पैर से शुगर पई है, जो जख्म उन्होंने मुड़ के ठीक नहीं होंगे, ठीक होंगे भी तो बहुत औखे जाके दोबारा फिर कितना कितना जख्म हो जाता। जख्म होंगे नहीं गा वैसे अंदरों ही ना कोई छाला जहा बनेगा, पहले छाला जहा बन के ना फिर जख्म हो जाएगा तो जो पैर खराब हो जाएगा। वो शुगर भी पता नहीं किन्नी किस्म की है, किसी देखा पै जाती है, किसी के पट्ठे असर कर जाती है, तो किसी के हड्डियाँ किसी के कितने किसी के कितने ये हिसाब रखे शुगर ने भी। शुगर ऐसी बीमारी है बंदे ना अंदरों अंदरों नौका खोखला कर देती है, उतो देखने बंदा ठीक हों पर अंदरों उन्होंने बंदा खत्म हो जाता। फिलहाल असं आए बैठे होना है सोच मेरे को इंटरनेट का, मामू हूँ इंटरनेट लवाया हुआ ना तो दरीसके घर भी कनैक्शन गया हुआ, असं भी नैट जो इतों यूज़ करते हैं तो दिहाड़ी बचना दो तीन बार बंद हो जाता। उन्होंने नैट वाले गल की जिद को लिया हुआ वा तो उन्हें सोच दिता वा कहना यह लाओ क्या सोच खराब है जिद वजह नैट जो बार 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 बंद हों। कल भी तकरीबन 6-7 घंटे बंद रहा तो अज भी हूँ फिलहाल बंद आ, चलते हैं जाके बुला लो लेंगे नाल तो सोच जड़ा ना लाने। ओ बिलाल ये चूचल करना ये सोच दे नाल दा सोच कोई भी नहीं है इतने देखो ना बोलने चलना क्या एक वो भी डब्बी टिक एक या फिर आ लग गया है वो या फिर आ वा अब दिख रहा है ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈ ਢਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੀਟ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਡੈਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਕ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੇਤ, ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਬਦਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੈਂ 3-4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀਆਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੰਗਰ ਅੰਦਰ ਬੰਨੀ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਪਰ ਹਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਜਿਦ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦਰਾ ਪੀਆਂ ਆਦੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਜਾਂਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਈ। ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਭੱਜ, ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਗੇਟ ਖੋਲੀਆਂ ਏ ਏਡੀ ਕਰਕੇ ਨਗਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਛੱਤਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਹੁਣ ਨਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਹੁਣ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ 'ਤੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੈਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੈਡ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਭੋਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।